अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार आज सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और आप देखे अल्हम्दुलिल्लाह सूरज वो छुप गया बादल में और बादल आ चुके हैं, तो हवा भी चल पड़ी है, बहुत ठंडा मौसम हो गया है। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा सूखे, आपको उनकी आवाज़ें तो आ रही होंगी, ये देखें, वरना यार इन्होंने इस टाइम ना सुबह सुबह ही मुंह खोले हुए होते थे। अब देखना, हाँ अपना भी माशाल्लाह से बंद हो ही है, इनको काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। कल भी मैंने नहला दिया था इनको, इस वजह से यार इनकी गर्मी ताकि दूर हो जाए। और मुर्गा देखे चिट्टा चिट्टा हो गया है, वरना बहुत गंदा हुआ आता था यार, अब माशाल्लाह से साफ़ हो गया। बाकी दोस्तों मेरी जबान आप लोग देखें कि यार आपको पर्पल पर्पल हुई है। माशाल्लाह से हमारे जो जामुन है उसका जो दरख्त है वो उसके ऊपर फल लग चुका है, बहुत यार मीठा फल है इसका। आप लोग भी आए, आप लोग भी आके खा लें यार, जामुन बहुत मज़ेदार हैं, अभी कच्चे हैं लेकिन जो दो तीन पहले बारिश हो गए हैं उसके वजह से थोड़े थोड़े जामुन पक गए हैं, तो जिसके वजह से वो ज़मीन के नीचे गिर गए थे। अंधेरी रात को भी आई थी तो ज़मीन पे गिर गए, तो मैं भाई जब सुबह उधर साथ गार्डन में गया तो देखे तो जामुन गिरे, मैंने उठाए प्लेट में रखे, अच्छी तरह वॉश करके खुद भी खाए और अपनी मुर्गियों का भी खिलाए, काफ़ी मुर्गियों ने भी काफ़ी शौक से खाए थे। जो मेरी लास्ट मुर्गियाँ थी यानी कि जो बेच दी हैं मैंने बाफ वगैरह, उनको मैंने पिछले साल बहुत ज़्यादा खिलाए थे यार जामुन ना, उनको बहुत खिलाए थे, तो उनकी भी ज़बानें ऐसे पर्पल हो जाती थी। मैं जब अच्छा वो गुठली भी खा जाते थे, हम गुठली इन्हें ना खाते, ये गुठली भी खा जाते थे। और दोस्तों आज एक बैड न्यूज़ है, उससे पहले आप लोग वो देखे जामुन की वजह से लड़ाई कर ली इन्होंने यार, इधर देखें, ये देखें आप लोग, इसने जामुन पकड़ा हुआ है, ये देखिए आप लेके पूरी छत पे भागे, ये देखना आप लोग। चले इनको हम इंजॉय करने देते हैं, सही है। तो बैड न्यूज़ ये है, उससे पहले आप ये एक छोटा सा मैसेज सुन लें, असली लोकेशन किस जगह की है, तो वीडियो के अंदर तो इसके सही पता नहीं चल रहा, ये तस्वीरों में तो दोनों फीमेल लग रही हैं। यार आपने मैसेज तो सुन लिया होगा कि वो भाई कह रहे हैं कि वीडियोस के अंदर तो आपकी पिक्चर्स के अंदर और वीडियोस के अंदर दोनों फीमेल लग रही हैं। बाकी यार जिस भाई से ली थी जावा उन्होंने तो मेल फीमेल कंफर्म दी थी, मैंने एक भाई और से पूछा, आपको याद होगा हम उमैर भाई के घर गए थे जो मेरे कज़न भाई हैं, उनके दोस्त से भी पूछा उमैर भाई ने, उमैर भाई को मैंने वीडियो वगैरह सेंड की थी, उन्होंने आगे अपने दोस्त से पूछा, उन्होंने भी भाई फीमेल है बोला है, तो एक और भाई से पूछा है तो उन्होंने भी दोनों फीमेल है बोला है। अब बताएं यार मैं सोच रहा हूँ अब क्यों ना इनके दो मेल ले आएँ, या जिस भाई से लिए हैं उसको बोलते हैं अभी हमें चेंज करके दें, एक फीमेल ले ले और उसके बदले हमें मेल दे, या ऐसे कर लेते हैं। बाकी अभी ये सोचते हैं, बाकी स्कैम हो चुका है, अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि दोनों फीमेलें हैं। तो उससे पहले यार असील मुर्गी मुर्गा भी आपको दिखा दूँ, ये देखिए, अरे क्या यार क्यों इतनी ले, ये देखिए हड्डी की वजह से लड़ाई कर रहे हैं, अरे 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 बदतमीज़ ना हो तो यार इनसे खाई जानी ना ऐसे फंस जाएगी, इधर हो गंदियों मुर्गियों, ये लो डस्टबिन में, हाँ अब क्या बात है, क्या बात है भाग गया। चलें दोस्तों आपको असील मुर्गी वगैरह दिखा देते हैं, हमारा थाई मुर्गा काफ़ी माशाल्लाह से प्यारा हो रहा है, ये देखे ओए चिट्टा चिट्टा हो गया है दोस्तों, इसको भी हमने कल नहला दिया था, परसों भी नहलाया था, ये देखें जी, काफ़ी माशाल्लाह से यार अच्छा ये पेयर है, अपने पास मुर्गी या अंडे देना स्टार्ट हो जाए तो बहुत मज़ा आएगा, जब इसकी हम ब्रीडिंग प्रोसेस होगा ना इनके चिक जो आएंगे बहुत ही अच्छे निकलेंगे इंशाल्लाह। वो देखे वो वाला मुर्गा और ये वाला मुर्गा, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, बस लड़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब देखना मैं जाऊँगा तो इन्हें चुप करना, वरना यार ये ना चुप ही नहीं करते, बोल ही जाते होते हैं, बड़ा तंग करते हैं सुबह सुबह यार, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ये मुर्गा ख़ास तौर पर, बहुत ज़्यादा तंग करता है। अब देखिए देख रहा है, ये देखिए इन्होंने ऐसे किए जाना है। तो गाइस आप चलते हैं नीचे की तरफ, बाकी आपको वो जावा वगैरह दिखा देता हूँ जो स्कैम हो चुका है हमारे साथ। ये देखिए गाइस, ये दोनों की दोनों यार फीमेलें निकल गई हैं, मुझे एक बात की खुशी भी हुई है, एक बात का दुख भी हुआ है कि चले मुझे एक्सपीरियंस तो हो गया है, किसी भी
शॉपकीपर की बात पे ना आया करें यार, वो झूठ बोल के चीज़ को सेल करते हैं। तो बाकी यार मुझे कोई टेंशन नहीं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इनका दो मेल इंशाल्लाह ले आऊँ। बाकी ये देखें आप लोग माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा पेयर है, माशाल्लाह से पेयर क्वालिटी में बहुत अच्छा है। और ये हैं हमारे प्यारे प्यारे बजीज, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बाकी इनका भी अभी ब्रीडिंग सीज़न आने वाला है, फिर ये भी ब्रीड करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बजीज हो रहेंगे। और इनका दाना पानी, अरे अरे पानी सुबह का बाहर पड़ा है दोस्तों, मैं इसको फटाफट से चेंज करके लाता हूँ। जी गाइस वाटर चेंज कर दिया है, अब हमें रखना है इनके केज के अंदर। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दो तीन, ये पकड़ा ऐसे। यार ये दाना बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, इधर देखें बहुत दाना ज़ाया करते हैं बच्चों की। एक ख़ास बात ये है कि इनका दरवाज़ा मैं खोल दूँ ना, ये अपनी जगह पे ही टिक के रहते हैं, वरना जो फिंचीज हैं ना वो भाई बहुत फुर्तीली हैं, पास बैठे रहो तो वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाती हैं। इस वजह से बाकी हमारे बच्चे देखें माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी वगैरह हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल मिनी फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और हाँ यार एक बात का मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि किसी भी शॉपकीपर की बातों में नहीं आना चाहिए, वो झूठ बोल के इस चीज़ को सेल कर देते हैं, उनको पता नहीं मिलता क्या। चलें खैर कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।